अभी आप जो मेरे हैंड में फोन देख रहे हो, ये आपका वर्ल्ड का लेटेस्ट फोन, आईफोन का लेटेस्ट वर्जन आईफोन 14 प्रो मैक्स है। इसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, इसमें क्या क्या खास फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ये फोन बेसिकली दिखता कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, इसका प्राइस क्या है इंडिया में, और यदि आप बाहर से मंगवाना चाहो इम्पोर्ट करना चाहो तो वो कितना प्राइस में आपको मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग उसको भाई इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं इसका फोन का बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो भाई ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है, बहुत ही फैंटेस्टिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है गिराने में, तो गिरा करके हम आपको बिल्ड क्वालिटी का टेस्ट करवाने वाले बिल्कुल है नहीं। तो जैसा दिख के लग रहा है लुक्स में वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है और काफ़ी हैवी इसका वेट लग रहा है अदर फोन के मुकाबले, तो आप कह सकते हो कि जो बिल्ड क्वालिटी इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बेहतर है। तो चलिए मैं इसके पहले आपको कवर को ओपन करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में दिख कैसा रहा है। तो इसका सबसे पहले हम लोग कवर हटाते हैं और फिर इसके बाद आपको बताते हैं दिखाते हैं कि ये एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो ये हमारा डीप पर्पल कलर का है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका लुक है और बटन्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि इसका लेफ्ट साइड में जो आपको दो तो साउंड्स के लिए दो बटन अप एंड डाउन में देखने को मिलते हैं और साथ ही इसके ऊपर में यहाँ पे म्यूट करने के लिए जो बटन है वो आपको देखने को मिलते हैं। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है और साथ तीन कैमरा और एक आपको फ्लैश लाइट मिलता है और उसमें आपका जो है वो माइक्रो कैमरा काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का होता है और आपको हर एप्पल और आईफोन फोन की तरह यहाँ पे आपको एप्पल का जो है वो लोगो देखने को मिलता है। और इसका जो राइट साइड का बात राइट साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन और पावर बटन के नीचे यहाँ पे आपको सिम जो है वो इंजेक्ट करने के लिए जो है वो स्पेस देखने को मिलेगा। और इसके नीचे की नीचे वाले पोर्शन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे माइक और एक स्पीकर और बीच में आपको चार्जिंग पोर्ट जो कि आपका लाइटनिंग पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे एंड में देखने को मिलता है। और इसके फ्रंट में सामने वाले जो पार्ट है ये बिल्कुल प्लेन रहता है और लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार देता है कि आप इसके हर एक एंड में आपको एक लाइनिंग देखेगा जो इसका लुक को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है। यहाँ पे भी लाइनिंग आपको देख सकते हो और यहाँ पे भी लाइनिंग और इधर आपको बैक में। और साथ ही साथ ये फ़ोन के बारे में आपको पता होगा कि ये फ़ोन आपका IP68 रेटिंग के साथ आता है, दैट मीन्स की थोड़ी पूरी जिसमें बारिश का पानी आ जाए इवन आप उसको बाल्टी बाल्टी में भी डाल देते हो तो इसके इसको जो है वो कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। बट अभी हम इसका वाटर टेस्ट करके आपको नहीं दिखाने वाले क्योंकि वाटर टेस्ट करना मतलब कलेजी भी बाहर निकालने वाली बात हो जाएगी, इसलिए हम इसको वाटर टेस्ट करने वाले नहीं है। तो ये रहा आपका लुक और ये रहा फोन। अब हम सर कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि चूंकि आईफोन का जो फोन है ना वो बिकता ही सिर्फ कैमरा के लिए, तो इसका हम कैमरा के बारे में बात करते हैं और क्या क्या सेटिंग्स और क्या क्या फंक्शन इसका कैमरा में दिया पड़ा है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। चलो और ये अनलॉक होने के बाद इसका स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखता है और फिर इसमें आप जितने सारे जो भी आपका एप्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो आप ऐसे स्लाइड करके निकाल सकते हो। तो मैं अभी आपको इसका कैमरा दिखाने वाला हूँ। ओके, कैमरा ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको टाइम लैप्स देखने को मिलता है यहाँ पे और टाइम लैप्स में भी आप जो है डबल एक्स ट्रिपल एक्स जो है वो जूम कर सकते हो और जो मैक्सिमम जूम है वो आपका टाइम लैप्स में 3x तक जाएगा। सेकंड जो सेटिंग है वो आपका स्लोमो का है और स्लोमो के लिए आप जो है 0.5 से लेकर के बिल्कुल 9x तक जूम कर सकते हो और स्लोमो में आपको जो है HD मोड में 120fps पे और 720 पे 240fps पे जो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और हम लोग सिनेमेटिक के बारे में बात करें क्योंकि ये एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो सिर्फ आईफोन प्रो में ऐड करा गया है, तो यहाँ पे आपको फोकस HD के साथ साथ 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। HD में 30fps पे और 4K में 30fps 24fps क्योंकि सिनेमेटिक मोड है तो आप यहाँ पे सिर्फ 1x और 2x और 3x तक जूम कर सकते हो और इसका जो फोकस है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा के वीडियो के बारे में बात करूँगा तो फ्रंट कैमरा में वीडियो में आप 4K पे 30fps और 24fps भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और यदि आप 4K की जगह HD पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो HD मोड में 30fps और 60fps पे रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और वीडियो में एक और खास फीचर जो इस फोन में आपको देखने को मिलता है वो एक्शन मोड है और एक्शन मोड में क्या है ना कि जब आप एक्शन में हो मीन्स मूव कर रहे हो स्पीड में भाग रहे हो उस वक्त जो है इसका क्वालिटी काफ़ी बेहतर आता है, बिल्कुल स्टेबलाइज रहता है। और फोटो मोड में आप 15x तक जूम कर सकते हो बैक कैमरे से और जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है 15x में भी। नेक्स्ट आपका पोर्ट्रेट मोड हो जाता है, पोर्ट्रेट मोड में आप जो है वो पोर्ट्रेट कर सकते हो लेकिन 3x तक जूम करके
और पोर्ट्रेट में नेचुरल स्टेज लाइट बहुत सारे वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो पैनोरमा का है, और पैनोरमा काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का इसमें आता है, और पैनोरमा तो अक्सर आपने देखा होगा हर एक मोबाइल में ये रहता है। हमें कैमरा सेटिंग के बारे में बात, सेटिंग्स में आप देख सकते हो, सेटिंग्स यहाँ पर स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको आप एप्पल का आईडी देखने को मिलेगा, फिर नीचे एरोप्लेन मोड और वाईफाई ब्लूटूथ मोबाइल डेटा हॉटस्पॉट वगैरह जैसा आपने इसके पहले वाले आईफोन में देखा होगा बिल्कुल सेम। रिफ्रेश रेट जो है इसका 140 हर्ज, इसलिए देख सकते हो आप एक बार में ये पूरा अप डाउन अप से डाउन तक जा सकते हो और बिल्कुल स्मूथ है ये। इस फोन में देखने को मिलता है डायनेमिक आइलैंड के जो कि कंपनी बढ़ा चढ़ा के प्रचार करती है। डायनेमिक आइलैंड में बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका कोई फोन आता है या फिर यदि आप कोई म्यूजिक प्ले करते हो, म्यूजिक प्ले करने के लिए मेरे पास है स्पॉटिफाई, मैं आपको म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो एक ये आपका फ्रंट व्यू रहा, मैं यहाँ पे म्यूजिक को जैसे ही ऑन करूंगा और ऑन करने के बाद यदि इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, तो मिनिमाइज करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे कैमरा होती है वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। आप इसको जैसे ही टच करते हो तो ये ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन में आ जाता। तो और मैं नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करूँ तो इस फोन का नेक्स्ट फीचर्स ये है कि इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। यदि मैं इसको ऑफ भी कर दूँ बटन प्रेस करके तो आप देखोगे फोन लॉक हो जाने के बाद भी जो उसका स्क्रीन है वो ऑन रहता है, इसमें जो टाइम है और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमेशा दिखते रहता है। और अब मैं इस फोन से कुछ लिए हुए फोटोज और वीडियोज के सैंपल्स आपको मैं दिखाता हूँ और आप जज कर सकते हो कि कितनी बेस्ट क्वालिटी के जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी और फिर जो फोटोज क्वालिटी वो आप देख सकते हो। अब जो फोटो आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस फोन से ही लिया हुआ है। और इस फ़ोन के कुछ और ख़ास फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस फ़ोन का प्राइस इंडिया में बात करें तो इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 125-130 के आसपास आपको लग जाता है, लेकिन यदि आप दुबई से इसे लेते हो तो वहाँ पे टैक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, तो आप 85-90 के में ऑलमोस्ट आप उसको परचेज कर सकते हो। और कैमरा टेस्ट एंड ऑटो टेस्ट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।